साडा टीवी यूएसए नाल जुड़े दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों रूस यूक्रेन जंग तो वड्डी अपडेट लैके हाजिर होए हैं। वीडियो नूं अंत तक जरूर देखो। रूस यूक्रेन की जंग दे विच 11 साल के बच्चे वालों बहादुरी का काम किया गया, जिसकी चारे पासे चर्चा हो रही है। मिली जानकारी अनुसार यूक्रेन में जिथे सारे मापिया वालों अपने बच्चों सुरक्षित जगह वाल ले जाया जा रहा है, उत्थे एक 11 साल का बच्चा 1000 किलोमीटर तक का सफर तय करके स्लोवाकिया देश में पहुँच गया है। इस बच्चे के सरहद पार करने बाद जिथे स्लोवाकिया के वॉलंटियर वालों उस बच्चे के कल्ले होने की जानकारी मिलते उसनों अपने निग में लिया गया, उत्थे उसनों खाण पीन का प्रबंध भी करके दिता गया। दसया गया कि इस 11 साल के बच्चे के बैग में उसका पासपोर्ट और टैलीफोन नंबर लिखे हुए सन। उसके हाथ में एक प्लास्टिक बैग से जिस उसकी माँ वालों उसका कुछ समान रखा हुआ है, क्योंकि इस बच्चे की जिंदगी देखते उसके मापिया वालों उसे भेज दिया गया। अपने कुछ रिश्तेदारों की देखभाल यूक्रेन में ही उन्होंने रुकना पड़ा। इस बच्ची दी तस्वीर जिते सोशल मीडिया उपर स्लोवाकिया के मंत्रालय वालों साझिया की गई हैं, उत्थे इस बच्चे की दलेरी की चर्चा हो रही है। बच्चा दक्षण पूर्वी यूक्रेन के जापोरिजिया का रहने वाला है, जिथे रूसी फौज वालों पिछले हफ्ते पावर प्लांट से कब्जा कर लिया गया। तो दोस्तों वड्डी अपडेट, हैरानीजनक अपडेट है जी रूस यूक्रेन जंग तो सामने आई है। इस तरह दियां होर ताज़ा जानकारियां लई चैनल नूं सबसक्राइब करो, वीडियो नूं शेयर करना ना भुल्लो।